Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see conditional styling in our React.js. जी हाँ गाइस, तो आज का डिस्कशन में बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला, क्योंकि कंडीशनल स्टाइलिंग करना आपको आना चाहिए एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, लेट्स से कि रेटिंग के साथ मुझे खेलना है कि इफ रेटिंग इज ग्रेटर देन 8.5 उसका हमें कलर चेंज करना है एंड इफ रेटिंग इज लेस देन 8.5 उसका कलर हमें कुछ अलग दिखाना है, तो वो आप में कैसे कर सकता होगा गाइस? आप खुद सोचो ना, उसमें तो ऑब्वियसली मुझे कंडीशन लगेगा ही लगेगा, इफ कलर इज ग्रेटर देन या इफ कलर इज लेस देन। तो यहाँ पे जब कंडीशन वाली बात आ जाती है एंड उस कंडीशन के बेस पे अगर हमें सीएसएस अप्लाई करना होता देन वो आपका कंडीशनल स्टाइलिंग कहलाता है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम कर सकते हैं, इवन हम बटन के साथ भी कर सकते हैं कि अगर रेटिंग 8.5 से बड़ी है तो बटन का भी कलर अलग कर दो, पूरा स्टाइल ही चेंज कर दो एंड इफ इट्स लेस देन 8.5 उसका पूरा स्टाइल जो उसको चेंज कर दो। तो आज वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं कंडीशनल स्टाइलिंग आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, यूजिंग क्लास नेम ऑल्सो एंड देन यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग ऑल्सो, क्योंकि हम दोनों देख चुके हैं, राइट। एंड आज इस वीडियो का एक और ऑसम बात होगा कि मैं आपको दो दो स्टाइल एक साथ आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो भी बताने वाला हूं। तो आज एंड कल का वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। एंड सोर्स कोड मैं गाइस शेयर कर दूंगा, आप उसको प्लीज चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट आवर रेटिंग, ये हमारी रेटिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज आवर रेटिंग एंड सबसे पहले मुझे अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है एंड किस पे करना है, इस 9.8 या 8.7 पे। अब द थिंग इज कि मैं यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की दुनिया है, एक कर्ली ब्रेसेस हमने यूज की जिसमें हमने कंडीशन एक डायनेमिक वैल्यू पास कर रखी बेसिकली रेटिंग करके। लेकिन मुझे यहाँ तो स्टाइल चेंज, स्टाइल के लिए वी नीड अ क्लास नेम और एल्स वी नीड दैट स्टाइल वाला एट्रीब्यूट, तो दोनों में से एक तो चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक्सपैंड टैग ले लेते, बिकॉज वी नीड अ टैग, नो मैटर व्हाट हमें टैग लगेगा, ठीक है। एंड गाइस, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने एक बार कोड लिख दिया आगे जाके आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग ऐड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये जरूरी भी है, स्पैन टैग बना ही इसलिए ताकि बिना आप कोड को चेंज करे आप स्पैन टैग का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका कुछ डिफॉल्ट है नहीं स्टाइलिंग, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे क्लास नेम देना चाहूंगा, ठीक है, क्लास नेम, एंड ऑब्वियसली आपको क्लास नेम ही देना है। एंड यहाँ पे मैं एक सुपर हिट करके फिलहाल से पेकी क्लास देता हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास इसका स्टाइलिंग पड़ा हुआ है तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, नेटफ्लिक्स सीरीज पे नॉट ओवर हियर, मैं चलता हूँ नेटफ्लिक्स वाले पे, इस जगह पे हमारा जो है, मैंने इस तरीके से एक सुपर हिट रखा है, दूसरा मैंने एवरेज रखा है जिसपे सिर्फ बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किए, रेस्ट सब कुछ एकदम सेम है, ठीक है। ऑल राइट, अब देख ध्यान से देख लीजिएगा, अब ध्यान से देखिए, फिलहाल तो वी हैव ओनली सुपर हिट एंड सुपर हिट मुझे तब चाहिए जब वो 8.5 के ऊपर होता, लेकिन फिलहाल अभी दिख कैसा रहा है मुझे वो दिखाने, देखो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट इतना तो भी दिख रहा है। लेकिन अब इसके बदले अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता तो वो अब आपको येलो कलर में दिखाई देता, लेकिन ग्रीन तो मुझे तब दिखाना जब वो 8.5 के ऊपर हो एंड येलो मुझे तब दिखाने जब वो 8.5 के नीचे हो, तो कंडीशन आ गई ना। तो अब हम देखो कैसे कंडीशन यूज कर सकते, देखो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक चीज लिख के रखा हुआ है एंड दैट इज कि इफ यू वांट टू यूज अ कंडीशनल स्टाइलिंग देन यू कैन यूज द टर्नरी ऑपरेटर्स टू ऐड कंडीशनल स्टाइलिंग टू योर सीएसएस। आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, आप लॉजिकल एंड या और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, सो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे याद है हमने प्रॉप्स के साथ खेला था कि प्रॉप्स को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, उसमें भी तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे ना कंडीशन प्रॉप्स को यूज करने के, सेम अब वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट द बेस्ट वन इज गो विथ टर्नरी ऑपरेटर, सिंपल, ठीक है। तो आगे जब प्रोजेक्ट आएगा तब मैं आपको और कॉम्प्लेक्स में दिखाऊंगा, बट आज ही इस वीडियो के लिए आपको जितना मोर देन इनफ है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एंड ये जो कंडीशन वाली जो बात आती है, कंडीशन कहाँ यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, हम डायरेक्टली जेएसएक्स में तो ये यूज नहीं कर सकते, सो अगेन वी नीड टू एंटर इनटू आवर जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, वी हैव रेटिंग, हमारे पास रेटिंग ऑलरेडी है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ये वैल्यू ना 9.8, ये तो हमारी रेटिंग है। इफ आवर रेटिंग इज ग्रेटर देन 8.5 और इक्वल टू 8.5, इफ आवर रेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5 देन, एंड हाँ मेक श्योर करना कि ये जो टैग है ना ये आपको यहाँ नहीं स्पैन के अंदर चाहिए, ये कुछ इस तरीके से। एंड देखो यहाँ पे क्लोजिंग टैग गायब हो गया, ऑल राइट सॉरी, ये एक फालतू का टैग एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, दिस इज इट, ये जो पार्ट है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है, लेट्स गो विथ सुपर अंडरस्कोर हिट, देन आपको एक कॉलन देना है एंड देन यहाँ पे आपको वो एवरेज लिख देना, दिस इज इट। सो गाइस ये जो अभी मैंने कोड लिखा है यहाँ पे,
ये आपका बन गया है कंडीशनल स्टाइलिंग। सो गैस क्लास नेम के ऊपर हमने कंडीशन ऐड कर दिए सिंपल। अगर रेटिंग ये है तो सुपर हिट एल्स एवरेज, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस देखो ये दोनों के दोनों 8.7 9.8 है, बट यहाँ पे 8.2 है एंड इसकी कलर चेंज हो गई। यहाँ पे इसका कलर चेंज, यहाँ पे इसका कलर चेंज, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसका कलर चेंज, तो यहाँ पे आप और डीप जा सकते थे, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस आप कंडीशनल स्टाइलिंग यूज कर सकते हो एंड ये कहीं ना कहीं आपके इस यू नो वेबसाइट पे या आपके प्रोजेक्ट पे एक जान, एक मतलब एक ब्यूटी ऐड कर देता है, जहां पे लाइक अगर ये पाने के लिए हमें आइडिया सोचो कि हम क्या कर सकते थे, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टाइलिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी भी एक चीज ये जरूर है कि हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कंडीशनल हमें मिल रहा है, ये जो हमने स्टाइलिंग की, ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि चिपके हुए है, इसको मुझे एक अच्छा सा लुक देना है। तो वो लुक देने के लिए मुझे एक और यहाँ पे क्लास ऐड करना है जो दोनों में कॉमन हो। सो नाउ एक तो कॉमन क्लास मुझे लगने वाली है एंड सेकेंड ये अपना कंडीशन वाला। तो जब भी कभी भी इस तरीके से बात आ जाए जहां पे एक तरफ तो आप कंडीशन ऐड कर रहे हो एंड दूसरी तरफ आप एक सिंपल क्लास ऐड करना चाहते हो, देन ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, राइट। एंड दूसरी बात ये कि हम इसको यूज करें तो करें कैसे। अब देखा मैंने कहा ना हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो देखो कैसे हो सकता है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो एंड दैट इज लेट्स गो विथ रेटिंग। फिलहाल मैं सिर्फ रेटिंग लिख देता हूँ एंड कॉमा छोड़ देता हूँ मैं। अगर मैं ये करता हूं तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि लेट्स सी, हाँ लेट्स सी, एरर तो चला गया है। मेरे पास यहाँ पे रेटिंग करके ऑलरेडी स्टाइल्स है, मैं ऐड करना चाहूंगा ओवर हियर एंड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल पैडिंग दी है, थोड़ा सा स्पेस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से मिल जाए। कलर मैंने ब्लैक कर दी है, मार्जिन लेफ्ट ताकि लेफ्ट से थोड़ा सा खिसक के उधर आ जाए राइट को, एंड बॉर्डर रेडियस दे दी ताकि पूरा कंप्लीट एगो बन जाए। अगर ये मैं करता हूँ या सी देखो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अप्लाई हम करें तो करें कैसे। सो यहाँ पे गाइस हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज ले सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ऑब्वियस लाइक हम इसको हटाओ है पहले, तो इसका कोई काम नहीं, खाली धोखा दे रहा था हमें वो। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक कंडीशन है एंड आपको मालूम है कि हम बहुत इजीली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन लिख सकते हैं, राइट। तो वो हम कर सकते थे टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से, यहाँ पे चलना है। अब आपको ना इसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा गाइस, तब आपके लिए बहुत इजी लाइफ हो जाएगी कि अच्छा ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे। इस तरीके से मैं चल रहा हूँ यहाँ, एक सेकंड फिर से ये क्यों आ जाता है यार, एंड ये कॉमा नहीं चाहिए हमें, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करो क्योंकि कॉमा अगर आप देते हो द मोमेंट वो डिफरेंट हो जाएगा। ऑलराइट सेव करते ही ऐसा हो रहा है, यहाँ पे चलते नहीं आएगा क्योंकि ये एरर आ रहा है यहाँ पे एंड इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, एक स्पेस दे दीजिए, एक सेकंड, एक स्पेस, कंट्रोल एस, ठीक है। आपने देखा क्या कि हमने जस्ट हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहे हैं, एक जो स्ट्रिंग है एज इट इज हम उसको छोड़ सकते हैं, हमें मालूम है स्ट्रिंग को हम एज इट इज लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग कहलाता है। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन, कुछ डायनेमिक वैल्यूज या कुछ वेरिएबल्स रहता है, तब हम ये डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली हमारे कंडीशन है ना, टर्नरी ऑपरेटर, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन यूज की, आई मीन ये डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटेक्स। बाकी तो अपना टेम्पलेट लिटरल्स में तो ये अपने को बैकटिक देना ही पड़ता है, इतना अगर आप कर दोगे एंड बूम गाइस सी देखिए कितना ऑसम एंड प्यारा दिख रहा है ये। तो कैसा लगा आपको कंडीशनल स्टाइलिंग, था ना बहुत ही ज्यादा ऑसम कि अब आप दो दो क्लासेस एक साथ यूज कर सकते हो। आपको लगे एक और क्लास लेट्स से टाइम पास, ठीक है, बस आप ऐसे यूज कर दो, हो गया आपका काम। अभी टाइम पास यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कहीं पे भी, बट अगर आप यहाँ पे चलते हो वी हैव और नेटफ्लिक्स डॉट सी एस एस डॉट टाइम पास, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ जिससे आपको पता चले, लेट्स को भी तो बॉर्डर, बॉर्डर में मैं 2 रैम सॉलिड रेड कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस से। ये देखो, देखा आपने, देखा ना कि अब आप मल्टीपल क्लास नेम कैसे ऐड कर सकते हो। आई नो जब मैंने क्लास नेम के बारे में बताया था मे बी आपको उस समय ये पता नहीं चला होगा, बट या इस तरीके ये जस्ट दिखाने के लिए था, आपको पता चल गया होगा, इसकी मुझे कोई नीड नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है ये हर बार रेंडर होने का डर है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आंखों को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक टेम्पलेट लिटरल्स आप कह सकते हो ना इसको, ऑब्वियसली ये जस्ट एक आपका कंडीशन है एंड हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि जावास्क्रिप्ट में हम कुछ भी हो एक वेरिएबल में असाइन कर ही सकते। इसको मारो गोली, ऊपर आइए आप यहाँ पे एंड ठीक इस जगह पे जो हमने किया था सेम वैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, कॉन्स्ट रेटिंग क्लास कर देता हूँ, इक्वल टू इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड बाय द वे मुझे अब यहाँ पे इसकी नीड भी नहीं, सच बोलूँ तो या मुझे उसकी नीड भी नहीं थी, दिस इज इट, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, वहां तो हमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ती। इसको कॉपी करूंगा,
यहाँ पे ऑब्वियसली ये वो एक कंडीशन है, तो मुझे इस तरीके से देना पड़ेगा, इतना याद रखना। अब डायरेक्टली अगर रेटिंग क्लास लिख दोगे तो वो एक क्लास नेम की तरह ट्रीट करेगा, बट ये क्लास नेम की तरह ट्रीट नहीं करना है, हमें ये बताना कि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये वैल्यू पास कर रखी है, एंड उसके बेस पे इधर सुपरहिट और एवरेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप ये करते तो नाउ इट्स लुकिंग बेटर, राइट? एंड देखो मेरा काम हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूं तो आपको बहुत क्लियरली देखने मिलेगा कि जब भी हम ये काम करते हैं, यहाँ पे देखना कहाँ है, आई गेस इसमें आएगा कार्ड कंटेंट, ओके H2 H3, ऐसे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो गाइस आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हे वी आर गेटिंग सुपर हिट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सुपर हिट हमें दिखाई दे रहा है। एंड वहीं अगर मैं थर्ड वाले पे चलूँ एंड अब इसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आपको एवरेज दिखाई दे रहा है। तो जो कंडीशन हमने अप्लाई की वो बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है, जो हमें देखो रियलिटी में दिखना लोगों को यही है, बट जो भी हमने कैसे कोड लिखा वो हमने देख लिया, राइट? तो ना क्यों ना हम ये इसके साथ भी करें बटन के साथ। तो देखो बटन के साथ करने का मैं आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको करके बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। यहाँ तो हमने स्टाइल यूज की, हमने क्लास नेम यूज ना करके हमने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज की थी, जो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, तो उसमें भी आपके मन में होगा ना ये तो चलो क्लास नेम था, लेकिन क्या हो कि मुझे बैकग्राउंड कलर में भी कंडीशन अप्लाई करना हो, समझ रहे हो? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे जो मेरा बैकग्राउंड कलर उसमें भी मुझे कंडीशन चाहिए, नो प्रॉब्लम, इसी को ही कॉपी कर लो, हालांकि पूरा कॉपी करने की नीड नहीं है। एंड इतना मेक श्योर करना है ये एक ऑब्जेक्ट है, कंडीशन आप कर रहे हो तो नो मैटर व्हाट यहाँ पे भी आपको लगने वाली प्रैक्टिक ही है, ठीक है? आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कंडीशन। सो इफ द रेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5, ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे वी नीड अ कलर, एंड वो कलर का नाम क्या है, कलर ये है, ठीक है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड जो दूसरा कलर है वो ये है, सिंपल, राइट? तो इस तरीके से दिस इज इट। तो अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हो या ऑब्जेक्ट यूज करो एंड उसमें अगर आपको कंडीशन ऐड करना है, देन आप अगेन वही टेम्पलेट लिटरल्स आपको यूज करना पड़ेगा। एंड गाइस इफ यू रियली डोंट नो व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल्स, आई हाईली रिकमेंड मेरा ये जो जावास्क्रिप्ट एडवांस कोर्स का जो आई थिंक सेकेंड चैप्टर में मैंने कंप्लीट ES मॉड्यूल्स आपको बताई है, ECMAScript 2015, तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा भाई, बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा इससे बेटर आपको, ठीक है? तो ये मैंने कर दी। तो गाइस इसका ब्यूटी मैं आपको दिखाता हूँ, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, वाव, थोड़ी देर पहले कैसा था बट नाउ कितना सुकून मिल रहा है कि हमने इसको थोड़ा मॉडर्न थीम दी है, जहां पे लाइट कलर्स हमने यूज की है, एंड ये बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा हमें, राइट? बट एक चीज है कि चलो ये बटन को भी मैं थोड़ा सा स्टाइल कर सकता था, थोड़ा और बोल्ड कलर ब्लैक में कर सकता हूँ ताकि आंखों को अच्छे से दिखे ये, तो मेरे पास ऑलरेडी कलर है तो मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो कलर मैंने ये बटन कलर ऐड कर दी, फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दी, कर्सर मैंने ये कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे चलता तो अब आप देख सकते हो कितना औसम दिखाई दे रहा है। सो आप देख सकते हो गाइस ये जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे थे तब कैसा था, बट नाउ अभी तक इस वीडियो में आते आते हमने कितने औसम तरीके से प्रॉप्स, JSX, कंडीशंस, पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट्स, फिर ये CSS एंड ऑल। अब आप देखो कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हम एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक स्टैटिक वेबसाइट, लाइक सब कुछ हमें पता चल गया, ठीक है? सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। नाउ अब हम कैसे कंडीशनल स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, नाउ रिएक्ट प्रोजेक्ट, वो भी मैंने आपको बता दी। कल का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा CSS मॉड्यूल्स, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है? सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, क्या आपको अच्छा लग रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, इसको मैं और कैसे सुधार सकता हूँ वो भी प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप समय निकाल के मेरे लिए कमेंट कर दोगे मुझे बहुत खुशी होगी। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।